हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे सेहत और स्वास्थ्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट यूज़फुल अपडेट्स मिलते रहें, जिन्हें अपनाकर आप अपने आप को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रख सकते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनको अपनाकर आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो नियंत्रित रख ही सकते हैं, साथ ही साथ बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए आपको अधिक से अधिक फैट वाले खाद्य पदार्थों जैसे घी, प्रोसेस्ड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, मांस, मछली, अंडे आदि से परहेज करना होगा। खाना पकाने के लिए आप ऑलिव ऑयल या जैतून के तेल का प्रयोग करें, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने में काफ़ी मददगार है। इसके अलावा आप सरसों के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सरसों के तेल में मोनो सेचूरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में काफ़ी मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने के लिए आप विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे आंवला, नींबू, संतरा, अंगूर, मौसमी, अनार और टमाटर आदि का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। दोस्तों, सुबह के समय एक गिलास गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर इसका नियमित रूप से सेवन बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में काफ़ी प्रभावी सिद्ध होता है। साथ ही साथ यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। सीजनेबल वेजिटेबल्स में मूली का अधिक से अधिक सेवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। साथ ही यदि मूली के पत्तों के रस का सेवन किया जाए तो यह भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में एक औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा आप लौकी के जूस का नियमित सेवन करें, यह भी ब्लड से ट्राइग्लिसराइड को कम करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होता है। लेकिन इसके लिए आपको यह ध्यान में रखना होगा कि इसके जूस के लिए उपयोग में ली जाने वाली लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त अर्जुन की छाल के पाउडर, दालचीनी और लहसुन का सीमित मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में चमत्कारी रूप से फायदा होता है। लहसुन को पकाने के बजाय यदि कच्चे लहसुन की 4-5 कलियों को चबाकर इसका सेवन किया जाए तो यह और भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, इसके अलावा 15 से 20 ग्राम अलसी को दही में मिलाकर इसका प्रतिदिन सेवन करें तो यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर हार्ट को स्वस्थ रखने में एक चमत्कारी औषधि के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त मिश्रित अनाज यानी कि गेहूं में सोयाबीन, चना, ज्वार, बाजरा, जौ और मकई आदि को मिलाकर इससे निर्मित होने वाले आटे का भोजन में इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में यह बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। दोस्तों, इन सब के अलावा आपको फास्ट फूड, जंक फूड जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल्स आदि के साथ साथ तले हुए खाद्य पदार्थों जैसे कचौरी, समोसा, पकौड़े, स्नैक्स आदि से भी परहेज करना होगा। इन सब के अतिरिक्त ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो मुख्य कारण माना गया है वह है शारीरिक श्रम का अभाव। यदि आप अपने लाइफस्टाइल या व्यस्त दैनिक दिनचर्या में 40 से 45 मिनट का समय निकालकर व्यायाम, योगा, तेज कदमों से पैदल चलना या जॉगिंग आदि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में नियमित रूप से इन्वॉल्व होते हैं तो यह आपकी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट से संबंधित बीमारियों को 50% तक कम कर देता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय जिनको अपने जीवन में अपनाकर आप कोलेस्ट्रॉल की बीमारी को तो दूर ही भगा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने जीवन को निरोग और सुखमय बना सकते हैं। अगर आपको मेरी यह हेल्थ वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें।